हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे संतरे के स्वास्थ्यवर्धक व औषधीय फायदे। साथियों, हम इस चैनल में आपके लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं, ताकि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें। यदि आप चाहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, संतरा एक फल है। संतरे को हाथ से छीनने के बाद पेशियों को अलग करके चूस कर खाया जाता है। संतरे का रस निकाल कर पिया जा सकता है। संतरा ठंडा तन और मन को प्रसन्नता देने वाला है। उपवास और सभी रोगों में संतरे का किसी भी रूप से सेवन किया जा सकता है। जिनकी पाचन शक्ति खराब हो, उनको संतरे का रस 3 गुने पानी में मिलाकर पीना चाहिए। एक व्यक्ति को एक बार में 1 या 2 संतरे ही लेना पर्याप्त होता है। दोस्तों, एक व्यक्ति को जितने विटामिन सी की आवश्यकता होती है, वो 1 संतरे का प्रतिदिन सेवन करने से पूरी हो जाती है। खांसी होने पर संतरे का रस 1 गिलास नित्य पीते रहने से लाभ होता है। स्वाद के लिए आप इसमें नमक या मिश्री भी डालकर पी सकते हैं। दोस्तों, संतरा एक स्वास्थ्यवर्धक फल है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। आयरन और पोटेशियम भी काफ़ी मात्रा में इसमें होते हैं। संतरे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें विद्यमान फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज, खनिज और विटामिन शरीर में पहुंचते ही ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। संतरे के सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है, चुस्ती फुर्ती बढ़ती है, त्वचा में निखार आता है तथा सौंदर्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, संतरे का 1 गिलास रस तन मन को शीतलता प्रदान कर थकान और तनाव दूर करता है। हृदय तक मस्तिष्क को नई शक्ति व ताजगी से भर देता है। पेचिश की शिकायत होने पर संतरे के रस में बकरी का दूध मिलाकर लेने से काफ़ी फायदा मिलता है। संतरे का नियमित सेवन करने से बवासीर की बीमारी में लाभ होता है। रक्त स्त्राव को रोकने में भी इसमें अद्भुत क्षमता होती है। दोस्तों, तेज बुखार में संतरे के रस का सेवन करने से तापमान कम हो जाता है। इसमें उपस्थित साइट्रिक अम्ल मूत्र रोगों और गुर्दे रोगों को भी दूर करते हैं। दोस्तों, दिल के मरीजों को संतरे के रस में शहद मिलाकर देने से आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। संतरे के सेवन से दांतों और मसूड़ों के रोग भी दूर होते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो संतरे का रस अमृततुल्य है। उन्हें स्वस्थ व हष्टपुष्ट बनाने के लिए दूध में 1/4 भाग मीठे संतरे का रस मिलाकर पिलाने से एक आदर्श टॉनिक का काम करता है। दोस्तों, जब बच्चों के दांत निकलते हैं तब उन्हें उल्टी होती है, हरे पीले दस्त लगते हैं। उस समय संतरे का रस देने से उनकी बेचैनी दूर होती तथा पाचन शक्ति भी बढ़ जाती है। पेट में गैस, अपच, जोड़ों का दर्द, उच्च रक्तचाप, गठिया और बहुत से रोगों में भी संतरे का सेवन बहुत कुछ लाभकारी होता है। गर्भवती महिलाओं तथा यकृत रोग से ग्रस्त महिलाओं के लिए संतरे का रस बहुत लाभकारी होता है। इसके सेवन से जहां प्रसव के समय होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है, वह प्रसव पीड़ा भी कम होती है। बच्चा स्वस्थ व हष्टपुष्ट पैदा होता है। संतरे का सेवन जहां जुकाम में राहत पहुंचाता है, वहीं सूखी खांसी में भी फायदा करता है। ये कफ को पतला करके बाहर निकलता है। दोस्तों, संतरे के सूखे छिलकों का महीन चूर्ण गुलाब जल या कच्चे दूध में मिलाकर पीस कर 1/2 घंटे तक लेप लगाने से कुछ ही दिनों में चेहरा साफ, सुंदर और कांतिमान हो जाता है। कील, मुहासे, झाइयां, सांवलापन दूर होता है। दोस्तों, संतरे के ताज़े फूल को पीसकर उसका रस मिलाकर सिर में लगाने से बालों में चमक बढ़ती है, बाल जल्दी बढ़ते हैं और इसका कालापन बढ़ता है। संतरे के छिलकों से तेल निकाला जाता है। शरीर पर इस तेल की मालिश करने से मच्छर आदि नहीं काटते। बच्चे, बूढ़े, रोगी और दुर्बल लोगों को अपनी दुर्बलता दूर करने के लिए संतरे का सेवन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, संतरे के मौसम में इसका नियमित सेवन करते रहने से मोटापा कम होता है और बिना डाइटिंग के ही आप अपना वजन कम कर सकते हैं। दोस्तों, संतरा केवल सेहत ही नहीं, खूबसूरती को भी संवारता है। हमेशा पक्के व मीठे संतरे का ही सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताए संतरे के स्वास्थ्यवर्धक व सौंदर्यवर्धक फायदे। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।